को मार देंगे और उसके बाद हमने मेरे पीछे क्या कहाँ गया? हाँ, तुम्हें किसने भेजा है? मुझे किसने भेजेगा? मैं खुद भी आया हूँ यहाँ पे।
समझाने क्या बात है? अभी तक चलो, हम लोगों के वो लट्ठे अभी तक आवा पास नहीं आए हैं। हाँ दोष काल से उनका इंतजार करते हैं। जिस दिन वापस आऊंगी मैं तुझे जीवन में छोड़ के जा। ठीक है, अब इसकी वर्दी वही भीखू किसान जो ड्राइवर था उसे गिरजा में इसकी वर्दी उतारूंगा। मैंने किसी को खोने क्यों? अरे झूठा जाम उस पर लगाया जा रहा, अब मैं क्या करूंगी और मैं कहां को जाऊंगी? तूने मेरे साथ कचारी किया है और तूने ही ड्राइवर का खून किया। अगर मैं जीवित रह गई तो मैं तुझे चिंता नहीं था। आज जो हम लोगों ने भीखू ड्राइवर को पकड़ा था, हसीना ने प्रमोशन के लिए उसने उसे जान से मार दिया है। हसीना ने अपने प्रमोशन के खातिर हाँ भीखू ड्राइवर का कत्ल कर दिया ताकि सरकार को यह दिखा सके हाँ कि उसने एक मुजरिम को पकड़ा। हाँ सर, ठीक है, उसका फैसला आपके हाथ में। मैं यही चाहता हूँ कि वर्दी शरीर पे रहना नहीं चाहिए। चिंता नहीं करो, आना दो ससुर को हमारे पास, हम बताए गए। ठीक है, रंजीत सिंह सर, क्या बात है? तूने अच्छा नहीं किया है, तूने मेरी वर्दी छीनी है। अभी तो अच्छा बुरा मालूम है। अगर जिस दिन मैं सलाखों से बाहर आऊंगी जैसे तूने मुझे बर्बाद किया है वैसे मैं तेरी बर्बादी की तबाह कर दूंगी। वो तो समय बता। तुमको प्रमोशन की बहुत जल्दी है ना, सरकार से प्रमोशन चाहिए। तुम किसी बेगुनाह को पकड़ के
जेल में ठूसोगे उसका कत्ल करोगे तुम्हें प्रमोशन मिल जाए। नहीं मंत्री साहब, आप लोग झूठ कर रहे हैं। मैंने कत्ल किसी का नहीं किया और मैं एक निर्दोष हूँ। तुमने कत्ल नहीं किया, एक निर्दोष की वर्दी छीनी जा रही है। राजेश कत्ल इसी ने किया है। आकर इसका गवाह मैं हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है। आप है इसका गवाह हसीना, तुमने कानून का उल्लंघन किया है। यह वर्दी पहनने का तुमको कोई हक नहीं, इसलिए उतारो ये वर्दी और सरकार का मजाक बनाना छोड़ो, निकल जाओ यहाँ से। हसीना हेलो, बहुत बड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनकर हेलो हम लोगों की रियासत में आई है तू ना। देख हसीना, अगर इस बस्ती में रहना है, इस पुलिस चौकी पर रहना है, कहते हैं अयोध्या में रहना है तो राम राम कहना है। मालूम है तुझे ना, बहुत अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से कहे जी हां। इसलिए हमने तुझे कितना समझाया, कितनी बार तुझे समझाया, लेकिन तुमने हमारी बात कोई नहीं मानी ना। मैं ठाकुर साहब ये सोच रहा हूँ, इंसान की पुकार हूँ, सिर्फ इंसाफ करूंगी। अच्छा, कोई गलत काम नहीं करूंगी। देख हसीना, हसीना इंसाफ के पुजारी सिर्फ मंदिर में पूजा करते रह जाते हैं। वही एक दिन पुजारी ऐसा पुजारी बनकर दिखाएगा कि तुम लोगों की बर्बादी का कारण बन जाएगा। हम लोगों की बर्बादी का कारण तुम लोगों की बर्बादी का कारण। हसीना उनकी आवाज में बोलने की जरूरत मत करना, हम भी यहाँ के संविधान हैं। हम लोग मंत्री साहब सामने खड़े हैं, बताओ तूने भीखू का खून किया या नहीं? मैंने किसी का खून नहीं किया है। तूने भीखू डिलेवर का खून किया या नहीं? मैंने किसी का खून नहीं किया है। मंत्री साहब और इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह बोलो, भीखू का खून किसने किया? भीखू का हसीना ने किया। हसीना ने किया? कोई साबूत तुम्हारे पास? कौन सा साबूत है? कोई गवाह? नंबर एक और दो। सही बात है। देखो आप लोगों के रहते हुए कोई अनुचित काम नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल। और हसीना तू जिंदगी भर पसीना पोछती रह जाएगी, इसलिए हम लोगों ने तुझे कितनी बार समझाया कि मान ले हमारी बात, और अब तू जाएगी जेल और फटे हुए रुमाल से पसीना पोछती रह जाएगी। घबराइए नहीं, इसने गलत काम किया है, उसका खामियाजा भी इसे भुगतना। क्यों नहीं? अरे शुक्ला, आज के बाद ये हसीना तो शुक्ला लगाओ कल साली को और इसके स्टार बिल्ले उतार कर इसे जेल में डाल दो। क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए? बहादुर शुक्ला, इस साली की ऐसी चार्जशीट बनाना कि साली का जीवन भर का कारागार हो जाए। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है, हम लोग चल रहे हैं और उसे समझा कर। जिस दिन ये हसीना जेल से छूटेगी, तुम लोगों की बर्बादी के कारण जरूर बनेगी। हसीना तू जब जेल से छूट कर आएगी ना, तो यहाँ का नजारा कुछ और ही होगा। क्या देखा जाएगा कि क्या किसका इंजाम होगा और किसकी मौत होगी। अरे
पसीना। अरे साली तू पोछे जी फटी हुई साली में पसीना। मिलने के लिए नहीं आया और मैं उसके लिए इतनी बेचैन हूँ।